हेलो गाइस, वेलकम टू देजी बटनीस। तो गाइस, आज हम बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की अपकमिंग मूवी एवेंजर 4 के बारे में। आप सभी जानते हो कि एवेंजर 4 से रिलेटेड कल काफी सारे कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज हुए थे, जिसमें कि मैं आज सिर्फ बात करूंगा पेपर बोट्स के सूट के बारे में। आप सभी जानते हो कि पेपर बोट्स, फाइनली हम जिस चीज की कल्पना करते थे एमसीयू में, वो चीज अब सच हो गई। ये सूट कार्टून टीवी सीरीज में कुछ इस तरीके से दिखता है और कॉन्सेप्ट आर्ट में तो आपने देख ही लिया। अब मैं इसके बारे में अपनी कुछ पर्सनल थ्योरी देना चाहूंगा, अगर आपको पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंडिंग में। और देन बात करते हैं अब पर्सनल थ्योरी के बारे में। एमसीयू में एक ऐसी जोड़ी है, यानी कि टोनी और पेपर पॉट्स, जो कि एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं। और हमारा टोनी स्टार्क एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने हर सिचुएशन के लिए एक आर्मर तैयार कर रखा है, चाहे वो खुद हो या उसके अपने हो, जैसे कि हवा, पानी, जमीन पे लड़ना या सामने 100 आदमी हो उन्हें भी खत्म करना। तो टोनी स्टार्क ने हर सिचुएशन के लिए एक सूट तैयार कर रखा है। अब इसकी एक छोटी सी झलक मिलती है आयरन मैन 3 में। टोनी स्टार्क ने 40 सूट बनाए, जिसमें कि उनने मार्क 42 एक ऐसा सूट बनाया जो कि पेपर भी पहन सकती थी उसके एक कमांड पर, जिसकी हल्की सी झलक तो हमें देखने को मिल चुकी थी। और देन इससे रिलेटिव अब आगे का अपडेट, अब आ जाते हैं सीधे एवेंजर इन्फिनिटी वॉर की टाइमलाइन में। एवेंजर इन्फिनिटी वॉर की जब शूटिंग चल रही थी, आप सभी ने ये कौन सा पार्ट देखे होंगे, ये शेट इमेजेस देखी होंगी, जिसमें कि पार्क में एक सीन शूट हो रहा है और फाइनली आपको पता भी चल चुका होगा ये सीन कौन सा है, जिसमें कि टोनी और पेपर एक साथ खड़े होकर किस करते हैं और देन वो शादी की बातें कर रहे होते हैं, बच्चे की बातें कर रहे होते हैं। पर नोटिस करने वाली एक चीज ये थी उसमें कि टोनी ने जो सूट पहन रखा था वो एक नैनो पार्टिकल के डिब्बे के ऊपर था, और देन जो पेपर का सूट है वो बिल्कुल मिलता जुलता है। फिर उसके बाद पेपर हमें लास्ट देखी एक फोन कॉल पर, यानी कि वो टोनी को सिर्फ लास्ट कॉल के बाद आज तक हमें एवेंजर इन्फिनिटी वॉर की किसी इवेंट में नहीं देखी। और देन फाइनली हमें एक बिहाइंड द सीन फोटो भी देखने को मिला, जिसमें कि वो माइक्रो ट्रिप और ट्रैकर वाला सूट पहनी है, जो कि साफ दर्शाता है कि हाँ, पेपर को वो वाला सूट मिलेगा जो कि टोनी ने क्रिएट करा है। अब आप कहोगे कि टोनी ने ये क्रिएट कब करा, तो सिंपल एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि आयरन मैन 3 में हमें कब पता चला था कि टोनी ने 40 सूट बनाए। आयरन स्पाइडर सूट कैसे बना हमें ये भी नहीं पता, फिर भी टोनी ने ये सूट बना लिया होगा। तो गाइस, आपको ये थ्योरी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और गाइस, आपको मैं एक चीज बताना तो भूल ही गया, कल मेरे पास यूट्यूब का कॉल आया। मैंने बोला यस सर, आपने एक कंप्लेंट डाली थी मेल के थ्रू कि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं जा रही है। मैंने यस करेक्ट। तो उन्होंने बोला कि इज नॉट माय फॉल्ट, ये आपके भाइयों की गलती है, जो भी आपके चैनल पे नया आ रहा है वो बेल आइकन पे क्लिक ही नहीं कर रहा है, तो इसमें हमारी गलती तो है नहीं है, तो अगली बार से आप ऐसी गलती ना करें कि आप हमें बिलीव करें। तो मैंने सॉरी बोल दिया आप लोगों के लिए। तो यार, जो भी वीडियो को देखकर जा रहा है यार, सब्सक्राइब के प्लस प्लस बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। दिन में 3 वीडियो डालता हूं सिर्फ आप लोगों के लिए मेहनत करके, और आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचती तो बहुत दुख होता है, तो यार बेल आइकन पे क्लिक जरूर करो। और गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर जो वीडियो फेसबुक या यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब और पेज को लाइक करें। और गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखे या तो उस पे ब्लैक वीडियो के हाथ मारो या पैर मारो, और कुछ मत मानना, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूं।